गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग एग्जांपल से समझते हैं फ्लो चार्ट को। जैसे स्टार्ट करने के लिए क्या था, ओवल सिंबल का यूज, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ इनपुट देते हैं, ठीक है, पैन एंड पावर वाटर। अब क्या करते हैं, एक पैन लिया और उसमें पानी डाले। अब वो पैन को बर्नर पे रखना है, ये भी इनपुट है। टी लीव्स और शुगर डालना है, ये भी इनपुट है। अब क्या हो रहा है, मिक्सचर को बॉयल होने देना है, मतलब प्रोसेसिंग हो रहा है। फिर कुछ इनपुट देना है, मिल्क देना है इनपुट के रूप में, फिर पैरेललोग्राम में, फिर रेक्टेंगल में क्या है, मिक्सचर को बॉयल होने देना है, मतलब प्रोसेसिंग है। फिर एक कप में क्या करना है, हम लोग आउटपुट के रूप में डालना है। तो वो क्या है, इनपुट आउटपुट को हम लोग पैरेललोग्राम में दिखाएंगे। तो ये आउटपुट है तो पैरेललोग्राम, फिर से चाय पी रहे हैं, ये भी आउटपुट है तो क्या हुआ, पैरेललोग्राम। और स्टॉप फिर हम लोग ओवल सिंबल से। जैसे एक अब देखो कैसे हम लोग तीन नंबर को कैसे ऐड करेंगे, उसका फ्लो चार्ट है। तो स्टार्ट सबसे पहला उसका रीड एन वन, रीड एन टू, रीड एन थ्री में तीनों नंबर को पढ़ना है, तीन नंबर ऐड करना है। उसके बाद में हम लोग का जो प्रोसेसिंग होगा क्या होगा, सम एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, और फिर आउटपुट प्रिंट सम, प्रिंट दिखा दिया कितना हुआ, और स्टॉप आखिरी, फिर ओवल। तो ये क्या था, इन दो ये सब एग्जाम्पल्स है फ्लो चार्ट के। अब जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया हुआ है कैसे है ना, रेडियस ऑफ ए सर्किल का, ठीक है ना, एल्गोरिथम फ्लो चार्ट टू इनपुट रेडियस ऑफ ए सर्किल। रेडियस ऑफ सर्किल हम लोग देंगे और वो उसके एरिया को प्रिंट करके दिखाएगा। जैसे सबसे पहले क्या है, स्टार्ट होगा स्टार्ट, ठीक है। इनपुट द रेडियस ऑफ द सर्किल एंड स्टोर इट इन ए वेरिएबल आर। रेडियस ऑफ सर्किल डालना है और उसको वेरिएबल आर मान के, वेरिएबल मतलब कुछ भी, आर का वैल्यू कोई भी हो सकता है। कैलकुलेट द एरिया बाई यूजिंग द फॉर्मूला 3.14 स्टार आर एस्टेरिस्क आर, ठीक है, जो वेरिएबल एरिया में होगा। तो देखिए इसमें क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू 3.14 होता है, वो लिखा गया हुआ है, इनटू फिर आर, फिर इनटू आर। उसके बाद में डिस्प्ले एरिया, जहाँ पे वो क्या करेगा, हम लोग को आउटपुट देगा, और फिर स्टॉप हम लोग का यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो यही था हम लोग का फ्लो चार्ट। अगले क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।